सुरक्षा पार्टी ने विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नए समीकरण रचे। आरजेपी, राष्ट्रीय जनता पार्टी और अखिल भारत हिंदू महासभा के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संरक्षक पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने कुरुक्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की पड़पोती श्री राजे चौधरी और आरजेपी के अध्यक्ष शेर सिंह राणा के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता करके ये ऐलान किया। आरजेपी 7 सीटों पर जबकि अखिल भारत हिंदू महासभा 7 सीटों पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की पड़पोती अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, वो भी इस प्रेस वार्ता में शरीक होने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे। उनके साथ आरजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा भी प्रेस वार्ता में शरीक हुए। तीनों पार्टियों के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि उनकी पार्टियों का एजेंडा और सोच एक सी है, लिहाजा वो प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हुए हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के इस नए समीकरण से जहां आरजेपी के अध्यक्ष शेर सिंह राणा की बदौलत प्रदेश के क्षत्रिय समाज का बड़ा वोट बैंक मिलने की उम्मीद है, वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा की बदौलत हिंदुओं के परंपरागत वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश लोसपा करने की तैयारी में है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संरक्षक पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने एक बार फिर अपनी पार्टी के एजेंडे को और पिछले सरकारों में हुए भेदभाव को मीडिया के सामने रखा। एक नया इतिहास रचने का प्रपोजल लेकर के आपके सामने मौजूद है, जिसमें कमजोर तबके के लोगों को, क्रांतिकारियों को और उसके साथ में जिन लोगों को उचित प्रतिनिधित्व हरियाणा प्रदेश में कभी नहीं मिला, उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित सबकी करने के लिए आज ये एक संयुक्त बैठक बुलाई गई है, जिसमें आरजेपी से यहाँ राजपूत समाज में भारी समर्थन मिल रहा है राष्ट्रीय जनता पार्टी को, और इसी प्रकार से अखिल भारतीय हिंदू महासभा जिनकी सिरसा सीट और अटेली मंडी में प्रत्याशी खड़े हैं, जिनको भी अपार समर्थन मिल रहा है, वहाँ पर हमारे जो भी कैंडिडेट खड़े हैं उन लोगों को हमने मैसेज दे दिया है कि हमारी पार्टी मिलकर के ये सीट अखिल भारतीय हिंदू महासभा के खाते में छोड़ रही हैं। दोनों सीटें सिरसा और अटेली मंडी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रत्याशी के दोनों तीनों पार्टियां उसका समर्थन करेंगी, और ठीक इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय जनता पार्टी है इनके खाते में दादरी विधानसभा, भिवानी खेड़ा, नीलो खेड़ी, ये जो अपने पंचकुला, पटौदी और बादली, इन सीटों के ऊपर इनके प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। हमारे जो भी प्रत्याशी वहाँ हमने पहले ही रिमूव कर दिए थे, बादली में से हमने अपने कैंडिडेट का नाम उठवा दिया था, हमारे पास 7 हैं, दादरी, भवानी खेड़ा, नीलो खेड़ी, पंचकुला, और बादली 6 हैं। इन 6 सीटों पर नरेंद्रगढ़ थे, इन 6 सीटों पर हमारी तीनों पार्टियों का समर्थन, राष्ट्रीय जनता पार्टी को जो भी इनके कैंडिडेट वहाँ पर लड़ रहे हैं, हमने मोस्टली सभी जगह से नॉमिनेशन विड्रॉल करा दिए हैं, बाकी के सीटों पर ये दोनों पार्टियाँ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का समर्थन करेंगी। इन सभी प्रत्याशियों को भी हम मीडिया के माध्यम से भी सूचना पहुंचा देते हैं कि
यदि कोई हमारा उम्मीदवार इसके बाहर फिर भी अपनी मनमानी करने का प्रयास करेगा तो हम उसे इस पार्टी से, अपनी पार्टी से जो उसका समर्थन वापस लेकर के इन प्रत्याशियों के साथ हमारा समर्थन रहेगा। मैं प्रेस के बंधुओं को सबसे पहले प्रणाम करता हूं। आज राष्ट्रीय जनता पार्टी ने जो गठबंधन की नींव डाली है एलएसपी के साथ और अखिल भारतीय हिंदू महासभा जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे महान पूर्वज सुभाष चंद्र जी बोस की पड़पोती श्री राजे श्री चौधरी जी, आज तीनों ने जो ये गठबंधन किया है, जो तीनों का ही मैनिफेस्टो है, वो किसानों के लिए अपने समाज में कैसे उनको उनकी जो इज्जत के वो हकदार हैं, उनकी फसल की, उनके उपज की सही कीमत कैसे दिलाई जाए, इस बात पर सभी लोग, हम तीनों पार्टियां एग्रीड हैं। दूसरा, हमारे माताओं बहनों की इज्जत मान सम्मान को कैसे सुरक्षित रखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान बढ़ाया जाए। हमारी राष्ट्रीय जनता पार्टी ने ये भी घोषणा की है कि जब भी सत्ता में आएंगे, और मुझे लगता है कि हमारे गठबंधन में इसमें समस्या नहीं होगी, जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको फ्री रोडवेज बस सेवा जो है जीवन भर हर माता बहना को मिलनी चाहिए, हरियाणा के अंदर वो जहाँ भी जाना चाहें। इसके अलावा 7 सीटों पर राष्ट्रीय जनता पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है, जिसमें पंचकुला, नीलोखेड़ी, पटौदी, बादली, भवानीखेड़ा, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, ये 7 सीटों पर लड़ी जाएगी। 6 सीटों पर प्योर गठबंधन रहेगा, लेकिन क्योंकि के जो एक सीट थी महेंद्रगढ़ वाली, उस पर दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशी बहुत लंबे समय से तय कर दिए थे और पार्टियों की मजबूरियां होती हैं, जिसके कारण उस इंडिविजुअल सीट पर फ्रेंडली जो है रूप में चुनाव लड़ा जा रहा है, बाकी सब पर गठबंधन जो धर्म है वो निभाया जाएगा। हमारा क्रांतिकारी, जिस क्रांतिकारियों ने जिसका बलिदान के लिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे, चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है, उनका परिवार के तरफ कोई ध्यान नहीं है। और हरियाणा सबसे ज़्यादा सेनानी दिया था इंडियन नेशनल आर्मी को, आज़ाद हिंद फौज को, तो हम ये रुचि रखेंगे, ये प्रस्ताव हमारा मैनिफेस्टो में रहे कि फ्रीडम फाइटर फैमिलीज जितना होंगे, जिनका इनकम बिलो पॉवर्टी लाइन है या मिडिल ऑर्डर का भी नहीं है, उनको पेंशन दिया जाए। 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 12th जनरेशन तक, विदेशों में 12th जनरेशन तक दिया जाता जब तक कोई एक फैमिली स्टैंड नहीं हो पाता, क्योंकि ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा एजुकेटेड और सबसे ज़्यादा रोजगार करने वाला जो आदमी था वही कुर्बानी दिए हमारा देश के लिए, तो नेचुरली उनका परिवार डिसएडवांटेज में आ गया और उनका परिवार का कुर्बानी को मद्देनजर रखते हुए आज़ाद भारत में कम से कम हरियाणा से, हरियाणा प्रदेश से ये शुरुआत होना चाहिए कि फ्रीडम फाइटर फैमिलीज को पेंशन दिया जाए, स्पेशली पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ऑलरेडी भाई साहब ने बोल दिया, गो रक्षा का माध्यम से पर्यावरण भी सटीक होता है, और गो आधारित उद्योग में से हरियाणा गवर्नमेंट, जो इनकमिंग गवर्नमेंट होगा, कम से कम GST से उनका पार्टिसिपेशन त्याग दे, क्योंकि तभी गोरक्षा प्रमोशन हो पाएगा। और बहुत, एंड देन वी कैन प्रेशराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गेट रिड ऑफ GST फ्रॉम गो आधारित ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर बेटर हेल्थ। हम लोगों का हेल्थ का सिचुएशन बहुत ख़राब है, घर घर में कैंसर हो रहा है बिकॉज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स that are being given in the cultivation. और farmers policy, youth policy, sports policy, गुरुकुल system, सभी चर्चा हुआ है। I don't want to take much of your time. Bureau report, A1 हरियाणा।